मन है घायल रूह दुखी है इस दुनिया में कौन सुखी है दे देगा ना तो मैं माफ कर दूंगा तुमको और हाँ अपनी बहन को भी ले जाना ठीक अब मैं यहाँ कब आऊंगा जब मैं पैसों का इंतजाम करूं एक बदमाश की बीवी कहलाओगी तुम अच्छा इस तरह तो बदनामी का दाग भाई के माथे पर भी लगा है लोग तो उन्हें भी चोर समझते हैं तो अभी भी मैं चोर की बहन कहलाऊंगी ना मंगनी हो चुकी हो या निकाह हो चुका अब उसको तुड़वाना और मुझसे निकाह करवाना तुम्हारा काम है इसी बात के 3 लाख मिलेंगे जो तुम्हें कभी वापस भी नहीं करने हैं मगर ये बहुत मुश्किल है अगर ये मुश्किल काम है तो मेरे लिए 3 लाख रुपया देना भी बहुत मुश्किल ना चाहे क्या बात है अम्मा इतनी उदास क्यों है आप नहीं बस सोच रही हूं दुनिया के मसाइल हल करने वाली मुरादा अपने घर का कोई मसला नहीं हल कर पाई न ही शानों की परेशानियां दूर कर पाई न ही आस्ताना बंद होने से बचा पाई न ही नोशी को अपने मुंह पे खालिक मलने से रोक पाई पर अब वो हबीब आ गया है मेरी खुशियों को तबाह करने के लिए अम्मा हबीब की औकात ही क्या है कि वो आपके सामने खड़ा हो आप एसएचओ साहब से बात करें और उसे अरेस्ट करवा दें नहीं कर सकती हाथ बंधे हुए हैं मेरे क्या मतलब नहीं कर सकती आखिर क्यों नहीं कर सकते हम अम्मा जब वो शख्स हमें इतना परेशान कर रहे तो हमें भी उसे सबक सिखाना चाहिए नहीं कर सकती ना बेटा मजबूरी है कैसी मजबूरी अम्मा है कुछ छोड़ो इस किस्से को तुझे नहीं पता अम्मा मुझे सब पता तुझे पता है जी वो उस दिन मैंने आपकी और जमीला खाला की बातें सुन ली थी हाँ बस क्या करूं मैं तो समझी थी कि वो मर खप गया होगा लेकिन वो तो अचानक दोबारा मेरी जिंदगी में मेरी खुशियों को लूटने के लिए आ गया मेरी बच्ची को मुझसे छीनने के लिए आ गया और अब तो गुड़िया भी तरफदारी करने लगी है उसकी गुड़िया हबीब की तरफदारी नहीं 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 अम्मा ये नहीं हो सकता आपको कोई गलत फहमी हुई होगी मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई गुड़िया ने मुझे खुद कहा है कि मैं हबीब को कभी कभार आने दिया करूं और उससे मिलने दिया करूं क्या हाँ मंगनी हो चुकी हो या निकाह हो चुका अब उसको तुड़वाना और मुझसे निकाह करवाना तुम्हारा काम है इसी बात के 3 लाख मिलेंगे जो तुम्हें कभी वापस भी नहीं करने अच्छी तरह सोच लो तुम्हारे पास कल शाम तक का टाइम है अगर जवाब हाँ में हो तो पैसे लेने आना वरना अपनी शक्ल नहीं दिखाना मुझे दोबारा सकीना मैंने तुझे एक काम कहा था ना जी मैंने बात कर ली थी उससे फिर वो क्या कहती कहती है कि मैं लावारिस हूँ और मैं किसी रिश्तेदार के पास रहती थी वो शादी मेरी किसी बुड्ढे से करवा रहे थे तो इसलिए मैं भाग कर आ गई इसका मतलब है कि शादी किसी को नहीं क्या तो यही रही है हाँ पर ठीक है
हमें उसका जल्द से जल्द निकाह करवाना होगा। निकाह? हाँ सकीना, वो जवान लड़की और खूबसूरत भी है और मुझे तो वो होशियार लगती है। इससे पहले कि वो होशियारी करे मुझे उसका बंदोबस्त करना होगा। तुम पता करो कि गांव में ऐसा कोई लड़का है जिसकी कोई मंगना हो। बीबी साहब मैं कल ही पता करती हूँ। सकीना तुम जब भी अपने क्वार्टर से निकला करो तो बाहर से लॉक कर दिया करो। मैंने उसे कल ही लॉन में नेहाल के साथ बातें करते हुए देखा। बीबी साहब कल छोटे साहब मेरे क्वार्टर में आए थे, कुछ किताबें ले। किताबें? ये लड़की तो मेरी सोच से भी ज्यादा चालाक है। सकीना तुम जल्दी से उस लड़के का पता करो। जी बीबी साहब। इमरान तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। तुम्हारा फोन बंद जाओ, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। फोन चार्ज पे है। अच्छा हीरा मेरे साथ 5 मिनट के लिए बात, मुझे बहुत जरूरी काम है। इमरान अभी कैसे आ सकती हूँ, सब घर पे हैं। प्लीज मेरे साथ 5 मिनट के लिए बात, मुझे बहुत जरूरी काम है। अच्छा तुम जाओ अभी, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अम्मी ने देख लिया तो कयामत आ जाएगी। चलो हीरा अंदर चलो। भाभी वो हीरा को मेरे साथ 5 मिनट के लिए छोड़ दे, मुझे बहुत जरूरी काम है प्लीज। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, कैसी बातें कर रहे हो तुम? चलो जाओ यहाँ से। चलो हीरा। क्या हो रही? अम्मी नहीं कुछ भी तो नहीं। कुछ नहीं, उस लोफर को दरवाजे पर बुलाकर बातें कर रही थी। नहीं अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। तुम्हें तो बहुत अच्छी तरह समझ गई हूँ मैं शाहीन। ठहर जा, तेरा इजाज को आने दे, फिर देख मैं कैसा तेरा दिमाग सीधा करती हूँ और उसका भी कुछ बंदोबस्त करती हूँ। सकीना। जी बीबी साहब। माई मुरादा को फोन कर दिया था? जी बीबी साहब मैंने कर दिया था। कहा था कि जल्दी आना है, कोई अहम मसला है। जी जी बीबी साहब मैंने कह दिया था, वो कह रही थी कि किसमें तैयारी कर रही हूँ किसी आदमी को भेज दो। अच्छा हुजूर वश माई मुरादा को यहाँ लेकर आना है और मैं उसे फोन पर खुद बात करती हूँ, उसे जो जो चीजें चाहिए वो वापसी में शहर से लेके आ जाए। जो घूमता है। ठीक है तुम जाओ। ठीक है। सकीना जी नहाल कहाँ है? वो तो जी जमीनों पर गए हैं। तो अपने क्वार्टर को ताला लगा कर आई थी? जी जी ताला लगा कर आई थी। देख सकीना मैं ताकीद कर रही हूँ, तो जब भी हवेली आओ क्वार्टर के बाहर ताला लगा कर आओ और जब भी क्वार्टर के अंदर हो तो अंदर से कुंडी जरूर लगाना। जी जी बिल्कुल। नेहाल आजकल उस लड़की से बहुत ही हमदर्दी करने लगा है, पता नहीं किस जात की है। तो समझती है ना इस बात? जी जी मैं सब समझ गई। तो ऐसा कर जाकर फौरन फोन। अभी लाइए। अम्मी का तो दिमाग खराब हो गया है, जो कचरा कूड़ा समझकर फेंकना चाहती हैं और आपको भी ताने देती है ना कि आपकी बहन घर छोड़कर भाग गई है। अगर अब ये ताने अम्मी को सहने पड़ेंगे तब उन्हें पता चलेगा कि ताने इंसान को अंदर से कैसे छलनी कर देते हैं। क्या हुआ बेटा, पैसे मिल गए? क्या बोलता क्यों नहीं, क्या उसने पैसे देने से इनकार कर दिया? नहीं अब्बा, इनकार तो नहीं किया। फिर क्या बात है, क्यों इतना परेशान है?
उन्होंने बहुत बड़ी कीमत मांगी है मुझसे। बहुत बड़ी कीमत मांगी है, पर किस बात की? कर्जे के बदले। क्या मांगा है तुमने बेटा? मेरी जिंदगी, मेरी खुशी, मेरा सब कुछ। मुझे समझ नहीं आ रहा तू क्या कह रहा है। आप परेशान ना हो, उन्होंने मुझसे जो कुछ मांगा है ना वो मेरे पास में। अल्लाह तुझे खुश रखे। अच्छा बेटा, मैंने खाना तैयार कर लिया है, तुम वहां धो के आ जाओ। जिंदगी में शहर की घूंट के सिवा कुछ नहीं, कैसे खाना खा लूं आप? कैसे? अस्सलाम वालेकुम, मैं मुरादा, मैं मैरून इस्लाम बोल रही हूँ। मेरा बेटा निहाल आजकल मेरे असूलों के खिलाफ जा रहा है और मुझे डर है कि वो नादानी में कुछ करना बैठे, बस उसके लिए कुछ अमल करना है। हाँ हाँ, सारी चीजें आपको पहुंच जाएगी। जी जी जी, खुदा हाफिज। हाँ सोहरा, वो तुमने मुझे उस दिन रिश्ता बताया था ना, बस मुझे कबूल है। तुम्हारे पास हीरा की तस्वीर तो है, तुम उसको दिखा दो, उसे हीरा पसंद है तो बस कर ही लिया ना, मैं अगले जुमे तक निकाह करवा दूंगी। हाँ हाँ चलो ठीक है, कल शाम मैं तुम लोगों का इंतजार करूंगी। खुदा। मैं खुद भी वहां ड्यूटी दे रहा था सर, जिस लड़के को वहां लगाया था वो तो दिन रात आ रहा था, मगर मैं भी तीन चार चक्कर लगा रहा था। तुमने अच्छी तरह तस्दीक कर ली है ना? मैंने वहां कब्रिस्तान में मौजूद कुछ 10-12 लोगों से पूछताछ की, फिर हमाद भी वहां आ गए थे और अब तो मेरे अपने लड़के ने अपनी आंखों से सब देखा। वेल हमाद, क्या ख्याल है, क्या कहते हो? सर आज मैं पूरा पेपर वर्क करूंगा और सारी रिपोर्ट्स, वीडियोस और ऑडियो समेत सबका जायजा लूंगा, उसके बाद ही मैं फाइनल रिपोर्ट तैयार करूंगा और फिर इसके तहत हम मुलव्वस लोगों की जाके पूछताछ करेंगे, उसके बाद ही मैं कोई फाइनल रिपोर्ट तैयार कर सकूंगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है अमार, इससे पहले भी तुमने जो प्रोजेक्ट्स किए हैं उसमें हमें 100% रिजल्ट मिला है, खास तौर पर तुम्हारा वो आमिलों वाला प्रोजेक्ट तो भाई बहुत ही कामयाब रहा। मुझे रिपोर्ट मिली है कि इस वक्त 50% आस्थाने बंद हैं और बहुत सारे आमिल अपने घरों में रिपोर्ट हैं, देखा जाए तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। थैंक यू सर, पर उसमें मुझे आपकी भी काफी सपोर्ट रही है और मैं चाहता हूँ कि ये जो नया प्रोजेक्ट है इसमें मुझे आपकी और सपोर्ट मिले, पहले से थोड़ी सी ज़्यादा, क्योंकि जिन लोगों से हम डील करने जा रहे हैं वो कोई आम लोग नहीं, बड़े बड़े महलों में रहने वाले ऐसे लोग हैं जो दिखते तो शरीफ हैं मगर उनकी हरकतें बहुत घिनौनी हैं और जितने ही वो बड़े लोग हैं तो उनकी रिसोर्सेज भी उतनी ही ज़्यादा हैं, हमें काफ़ी हद तक मुखालफत का सामना करना होगा। Don't you worry. सच्चाई की जंग में मुश्किलात तो जरूर आती हैं, मगर याद रखो जीत हमेशा सच की ही होती है। मेरी इतनी खिदमत और मोहब्बत का सिला अम्मी इस तरह दे रही, मुझे बात बात पर जलील करके ताने देकर, क्या मैं इतनी गिरी हुई हूँ कि अपनी बहन जैसी नंद को बदनामी के अंधेरों में धकेलूंगी? वो भी सिर्फ इसलिए कि मेरी बहन ने ऐसा किया था? अम्मी का तो दिमाग खराब हो गया है, मुझे कचरा कूड़ा समझकर फेंकना चाहती हैं और आपको भी ताने देती है ना कि आपकी बहन घर छोड़कर भाग गई है। अगर अब ये ताने अम्मी को सहने पड़ेंगे तब उन्हें पता चलेगा कि ताने इंसान को अंदर से कैसे छलनी कर देते हैं, कितनी अजियत देते हैं। अल्लाह ना करे हीरा, अम्मी को कभी भी ताने सहने पड़े, कैसी बातें कर रही हो तुम? भाभी आप कितनी अच्छी हैं, अम्मा के इतने बुरे सलूक के बावजूद का भला चाहती हैं। मगर अफसोस, अम्मा को ये ताने आप सहने ही पड़ेंगे।
कैसे रोकूं मैं इसे, ये कहीं कोई नादानी ना कर बैठे। बहुत खुशी भी आप आई। आए अंदर। दुर्गा देखो इधर देख, क्या तुमने कभी अम्मा के बारे में सोचा? उन बेचारी की परेशानियां खत्म होने के बजाय मजीद बढ़ती जा रही हैं। सारी जिंदगी गुजार दी तकलीफों में, आज तक उन्हें जाके चैन नहीं मिला। और ये मैं क्या सुन रही हूँ, तुमने अम्मा से ये बात कही है कि वो हबीब को इस घर में आने दें? मानो अपिया वो मेरा बाप है, तो आपका भी कोई कुछ लगता होगा ना, तना नाम ना लिया करो उसका। क्या मतलब है गुड़िया, ये क्या कह रही हो? तुम्हें हो क्या गया है? कल तक तो तुम कुछ और कहा करती थी। कल की बात कुछ और, मुझे नहीं मालूम था, लेकिन अब तो मुझे मालूम है कि वो मेरा बाप है। मगर गुड़िया, इस तरह के सवाल जवाब नहीं क्या करें मुझसे मानविया। आपके लिए इतना काफी है कि मुझे उसकी जरूरत है और मैं उससे ताल्लुक जोड़ना चाहती हूँ। बहुत खुशी भी आप आई। आए अंदर। ये कौन है? ये फ्लावर्स लड़की है, हमने यहाँ पला दिया। आई क्या करूं, कैसे बताऊं इमरान को कि अम्मा क्या करने वाली है मेरे साथ? फोन उठाओ इमरान प्लीज, ये जान पर बनी हुई है अल्लाह, अम्मा पता नहीं किसको पकड़ के मेरी शादी कराने वाली हैं। काले कलूटे बदसूरत आदमी से क्यों अपनी औलाद के साथ ऐसा कर रही है? कोई अपनी औलाद के साथ भी ऐसा करता है भला? मुझे बहुत समझ के उठा के फेंक रही है। अब मुझे खुद निकलना पड़ेगा, खुद जाके देखते हैं काम, क्या पता किस परेशानी में है वो। उसके साथ भी तो 10 मसले हैं, उसकी परेशानियां दूर करने में मैं उसकी मदद करूंगी, लेकिन अभी तो मुझे उससे मिलना होगा फौरन, वरना पता नहीं अम्मा क्या कर बैठे। हेरा कहाँ जा रही हो? वो भाभी मैं बस 5 मिनट में अभी आई। अम्मी से इजाजत ली है ना तुमने, ऐसे कहाँ जा रही हो उस वक्त तुम? अब भाभी बस 5 मिनट में अभी आई। हेरा अम्मी से तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो गांव पहुंची कैसे। क्या पता मुरादा माई किसी के बहकाने पे घर छोड़ के चली गई हो, और जब उसे एहसास हुआ हो तो घर आने की हिम्मत ही ना हुई हो। तुम पहले इतने परेशान हो, मैं अपनी परेशानी तुम्हें बता के और परेशान नहीं करना चाहती। तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी, बताओ क्या बात है? वो अम्मा ना, अम्मा अगले जुम्मे मेरा निकाह करा रही है। क्या? मेरा एक बेटा है, बहुत खूबसूरत है, तो मैं माहिन के लिए उसका रिश्ता लाया था। मन है घायल, रूह दुखी है,
इस दुनिया में कौन सुखी।